ऑप्शन देखिए छह नंबर कह रहा है कि दो फलों एफ एन टू जेड और जी जेड टू जेड के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार परिभाषित हो कि जी ऑफ एफ एक एकी हो लेकिन जी एक एकी ना हो, मतलब जी ऑफ एफ वन वन हो जाए लेकिन जी फंक्शन जो है वन वन ना हो। तो यहाँ पे हमारे हिंट में तो दिया ही था हम लोग यहाँ पे फंक्शन एफ एन टू जेड पर परिभाषित होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स बराबर में एक्स ले लेता हूँ, एफ एक्स बराबर में एक्स, यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल आएगा, इस पर डिफाइंड हो जाएगा। और तथा जी जो है जी जेड टू जेड पर डिफाइंड होना चाहिए इस तरह से है, तो इसे मैं जी जेड बराबर में जी जी फंक्शन जो है यहाँ पे जी एक्स बराबर में लिख देता हूँ मोड एक्स, मोड एक्स। देखिए हर एक जेड के लिए परिभाषित हो जाएगा ना ये। चलिए अब यहाँ पे जी ऑफ एफ की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, तो फंक्शन एफ का डोमेन, फंक्शन एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन एन टू जेड पर परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। अच्छा तो फंक्शन जी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स एक्स, और यहाँ पर आ गया जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका मोड एक्स, मोड एक्स। यानी कि हम लोग जी ऑफ एफ क्या देख रहे हैं, मोड एक्स के बराबर है, ठीक है, मोड एक्स के बराबर है। चलिए अब इसको वन वन चेक कर लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स वन मान लेते हैं बराबर है जी ऑफ एफ एक्स टू के, जी ऑफ एफ एक्स टू के बराबर है। फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू, किस से बिलोंग करेगा एक्स वन एक्स टू, एन से, इसके प्रांत से। तो नेचुरल नंबर के लिए आप देख लो यह हो जाएगा जी एफ एक्स वन और यहाँ हो जाएगा जी एफ एक्स टू। यहाँ पे एफ एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा एक्स वन, यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स वन और यहाँ हो जाएगा एक्स टू, एफ एक्स टू का वैल्यू एक्स टू हो जाएगा ना जी, एफ एक्स बराबर एक्स है तो एक्स टू रखेंगे तो एक्स टू आ जाएगा। चलिए अब देखो फंक्शन जी में एक्स वन के जगह पर यहाँ पे रख के देखो, यहाँ पे रख के देखो आप, तो हो जाएगा मोड एक्स वन मोड एक्स टू। तो ये चूंकि एक्स वन एक्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो ये यहाँ एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा, देयरफॉर एफ जी ऑफ एफ इज वन वन, जी ऑफ एफ क्या आ गया वन वन। लेकिन फंक्शन जी की बात करें, फंक्शन जी की बात करें तो ये वन वन नहीं है, क्योंकि देखिए आपका फंक्शन जी कैसे डिफाइन है, तो फंक्शन जी डिफाइन है जेड टू जेड पर इस तरह से दिखाया है और जी एक्स बराबर में है मोड एक्स। तो आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ पर जी एक्स वन बराबर में जी एक्स टू लेता हूँ, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग करता है जेड से, जेड से जब बिलोंग करता है यानी कि पूर्णांक से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड एक्स वन बराबर में मोड एक्स टू। ये तो बराबर होगा लेकिन एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं होगा, एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं होगा, देयरफॉर जी इज नॉट वन वन, नॉट वन वन। आप ऐसे भी देख सकते हो एग्जाम्पल में कि अगर मैं माइनस यहाँ पे अगर मैं जी माइनस वन का वैल्यू निकालू, ऐसे कर देता हूँ जी माइनस वन का, तो मोड के अंदर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और जी प्लस वन का वैल्यू निकालू तो मोड वन ये वन आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जी माइनस वन बराबर है जी वन के लेकिन वन जो है माइनस वन के बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है लेकिन इनके वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, तो वन वन नहीं ना हुआ। चलिए तो यह वन वन नहीं हुआ लेकिन जी ऑफ एफ वन वन हो गया, तो यही तो हमें दिखाना था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन।